Não, velho, eu não vou ver isso. Vitória, इस बार एक्सपीरियंस जो मैंने 2018 में एवरेस्ट किया था उसके टैली करते हुए ये वाला बहुत टफ लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल था. ये तो हमने सात आठ घंटे लगा था, लेकिन बहुत टेक्निकल था. कैसा डर नहीं लगा या एवरेस्ट से भी ज़्यादा टफ था ये? हाँ, टफ तो था क्योंकि टेक्निकल था, क्योंकि हमारा जो भी क्रैम्पॉन्स थे वो घुस नहीं रहे थे, और जो हम झूमर शिफ्ट कर रहे थे वो प्लास्टिक रोप था, तो इसलिए जो झूमर शिफ्ट कर रहे थे वो हो रहा था, लेकिन किसी किसी का झूमर अटक नहीं रहा था, तो उसके कारण हमें डर भी लग रहा था और क्रिवास भी था वहाँ पर. आपने कितने दिन में क्लाइम किया पिक में? फाइनल क्लाइम तो हमने एक दिन हमने लोड फेरी किया, सीधा हमने समिट कैम्प हिट कर दिया था, फिर उसके बाद वापस आए, बेस कैम्प में रुके एक दिन, फिर उसके बाद सीधा हमने हिट कर दिया. लगभग हमने 3 दिन में ख़त्म कर लिया था. कब गए थे और कितना आदमी गया था? आप लोग दो ही लड़की गए थे सिर्फ यहाँ से? जी, हम लोग एज अ इंस्ट्रक्टर HMI से दो ही लड़की गए थे, और हम दो ही लड़की ने कांग्यात से वन क्लाइम किया और अच्छा भी हुआ सबका. आप कितना खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे 2 साल के बाद HMI इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करके एज अ इंस्ट्रक्टर मुझे मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. एभरेस्टलाई हेरेर चाहिँ योपालि चाहिँ निकै नै टफ थियो, क्योंकि 6,000 feet, 7,000 feet अटोमेटिकली यो टेक्निकल हुन्छ, र हामीलाई सबैलाई नै साह्रो नै परेको थियो. टिम वानलाई स्पेसली हामीलाई साह्रो नै परेको थियो, टेक्निकल थियो र एभरेस्ट र यसमा कतिको डिफरेन्ट लाग्यो तपाईँलाई? एभरेस्टमा चाहिँ हाइट ज्यादा छ, र एभरेस्टमा चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँनिर फुट स्टेप बनाइदिएको छ, तर यहाँनिर फुट स्टेप भन्ने केही पनि छैन. यहाँनिर आफ्नै आफूले नै क्राम्पोन निकाउनुपर्छ, आफूले नै आइसेक सिकाउनुपर्छ, र आफ्नै बलबुतेमा चढ्नुपर्छ. कति सालदेखि एज अ इन्स्ट्रक्टर? एज अ इन्स्ट्रक्टर मैले आफ्टर एभरेस्ट म आएपछि यहाँनिर एउटा एडभान्स कोर्स गरेँ. एडभान्स कोर्स गरेपछि 2 साल भयो कि म लगातार यहाँनिर एज अ इन्स्ट्रक्टर काम गर्छु. फेरि यहाँबाट फेरि अर्को केही क्लाइम गर्नु जाने केही सरहरूले अहिले हालैमा प्रोसेस गर्दैछ कि आज एउटा एक्सपिडिसन हुन्छ भनेर, सायद त्यसमा पनि मलाई मौका पाउँछु होला भन्ने आशा छ. दुईचोटि इन द सेन्स कि एभरेस्ट अगाडि पनि हामीले 2 पिक क्लाइम गरिसकेको थियो, र 2 पिक टोटल काङ्ग्यासेसँग एड गरेर मेरो 4 समिट भइसक्यो. कतिको खुसी लागिरहेछ? र मैले IMFमा पनि अप्लाई गरेको थिएँ, तर IMFबाट केही मलाई उयो आएन, केही पनि रिजल्ट आएन उहाँबाट. र यहाँबाट एज अ पार्ट अफ HMI जाँदाखेरि चाहिँ म पुरा खुसी छु, किन भन्दाखेरि HMI इज अ मदर अफ इन्स्टिट्युट माउन्टेनियरिङ फिल्डमा. जैसे आपने अभी पूरा प्रेजेंटेशन में देखा, हमने ये पूरा एक्सपीडिशन हमने खुद प्लान किया था, पूरा हमारे इंस्ट्रक्टर्स लोगों ने प्लान किया था. इक्विपमेंट भी हमारा खुद का था, HMI का ही, और हमने किसी का बिना किसी सपोर्ट किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक्सपीडिशन किया. किसी को कोई इंजरी नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जैसे हमने एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा ताकि कहीं कचरा ना हो. हम लोग जहाँ जहाँ जाए हमारे कचरे को छोड़ के बाकी लोगों ने जो कचरा था उसको भी थोड़ा साफ़ करने की कोशिश किया, और बहुत अच्छे से एक्सपीडिशन सक्सेसफुल. कितना दिन में टोटल
सक्सेस हुआ है, कितना जाने आने में टोटल? हम लोग 1 अगस्त को यहाँ से निकले थे और हम लोग 1 फर्स्ट को ही वापस आके पहुँचे यहाँ पर। ये ट्रैवर्स जो है इसको पहले भी बहुत टीम ने ट्राई किया था, इटालियन टीम ने, जर्मन टीम ने, उन लोगों ने ट्राई किया था, कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं था। तो उसी हिसाब से हमने प्लान किया था कि प्राइमरीली लोग जो भी ट्रैवर्स का अटेम्प्ट करते हैं वो सीधा नीचे से जाते हैं ताकि सबमिट करके फिर ट्रैवर्स भी कर लें। बट हमें पता था कि उसमें इतना एनर्जी नहीं बचेगा कि वहाँ पहुँचने के बाद फिर कोई ट्रैवर्स कर पाए, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हमारा जो समिट कैंप होगा हम लोग उतना उसको जितना ऊपर रखेंगे पॉसिबल उतना ऊपर रखेंगे। उससे क्या होगा, हम समिट जब पहुंचेंगे हमारे पास इतना एनर्जी रहेगा ताकि हम लोग ट्रैवर्स कर पाएँ। कितना टफ था ये टोटल सबमिट करने में? ये सबमिट करने में जो कांग्यात सेवान था वो बहुत टफ पीक था, क्योंकि हमसे पहले भी काफ़ी टीम वहाँ पर थे जो सबमिट नहीं कर पाए थे, तो हम लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते उसी हिसाब से पूरा हमने प्लान किया था। लेकिन ये काफ़ी बहुत टफ था, ये जैसे इसमें एक भी समिट कैंप से लेकर समिट तक एक भी कोई भी फेज ऐसा नहीं था जहाँ पे थोड़ा सा कम स्लोप मिले, जहाँ पे थोड़ा सा आराम से कोई चल सके। इट इज़ कंटिन्यूस क्लाइम, एक क्लाइम के बाद एक आइस वॉल, फिर से कंटिन्यूस क्लाइम, फिर से आइस वॉल, तो बहुत टफ क्लाइम था ये। और ट्रैवल्स करने दो टीम का प्लान सर, तो कितने जन ने किया है? 3 लोगों ने ट्रैवल्स किया फाइनली। तो क्यों दो टीम ने कर पाए? जैसे हमने जब समिट पे पहुंचे हम लोग, तो एक तो जब समिट कांग्यात सेवान क्लाइम करके हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो इतना एनर्जी नहीं बचा था। सेकेंडली ये हुआ कि वेदर बहुत ख़राब हो गया था, जब तक हम समिट पहुँचे स्नोफॉल भी शुरू हो गया था, विंड भी बहुत तेज़ चल रहा था और वहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो गया था, 5 मीटर की दूर भी नहीं दिख रहा था। तो और हम जो जितना हमें वहाँ से दिखाई दिया उसमें बहुत ज़्यादा क्रेवास थे और बहुत ज़्यादा डेंजरस हमें लग रहा था कि अगर उसमें चलेंगे तो हो सकता है, और ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें से इंजुरी या किसी को कैजुअलिटी होने का बहुत ज़्यादा चांस था। तो माउंटेनियरिंग अल्टीमेटली स्पोर्ट है, तो उसमें अगर किसी को ज़्यादा इंजुरी या डेथ हो जाए तो उसका फ़ायदा नहीं हो उस एक्सपीडिशन का। तो इसीलिए HMI ने नेक्स्ट कौन सा कहाँ पर जाने का प्लान किया है? अभी तो जस्ट एक्सपीडिशन से वापस आए हैं, तो अभी हमारा मेन अभी मकसद है, अभी जैसे हमारा आज 1-2 कोर्स कल से शुरू हो रहे हैं, तो अभी हमें कोर्स को ठीक से चलाना है, फिर हम बाद में विल टेक ए डिसीजन कि कहाँ पे फिर क्लाइम करेंगे। जैसे ये पहली बार मतलब और किसी ने भी ट्राई किया था कोई कंट्री ने? हाँ, इटाली ने ट्राई किया था, जर्मनी ने ट्राई किया था, उन लोगों ने भी ट्राई किया था। ये लगता है कि HMI ने HMI ने रिकॉर्ड किया है जो 2 पीक में जाने के लिए। हाँ, ये और कोई देश ने किया नहीं? उन्होंने ट्रैवर्स किसी ने नहीं किया था, लोगों ने चढ़ा है, क्लाइम किया है, बट एक साथ दोनों में चढ़ के ऐसे ट्रैवर्स करना ऐसे किसी ने नहीं किया था, इस तरह का क्लाइम किसी ने नहीं किया। Thank you.